अस्सलामु अलैकुम। डेली गल्फ उर्दू में खुश आमदीद। दुबई के रिहायशियों की फैमिली और दोस्तों के लिए 90 दिन का विजिट वीजा। मुत्तहिदा अरब अमारात की मारूफ रियासत दुबई के रिहायशियों के अहले खाना और दोस्तों के लिए 90 दिन के विजिट वीजा का इजरा शुरू हो गया। न्यूज के मुताबिक दुबई के रिहायशी जो मुल्क में अपने दोस्तों या खानदान की मेजबानी करना चाहते हैं वो अब 3 माह का विजिट वीजा हासिल कर सकते हैं। मेजबान को इस वीजा के लिए 1,000 दिरहम का काबिले वापसी डिपॉजिट अदा करने की जरूरत होगी। दुबई की एक कंपनी के PRO के तौर पर काम करने वाले KV ने बताया कि हमने ये वीजे अपनी कंपनी के मुलाजमीन के लिए हासिल किए हैं। मैंने अपने दो साथियों के खानदान के अफराद के लिए इस वीजा के लिए गुज़िश्ता माह दरख्वास्त दी है। मैंने पोस्ट ऑफिस के करीब करामा में आमिर सेंटर से राब्ता किया। ये अमल आसान था, ताहम मेरे तजुर्बे के लिहाज से खानदान के अफराद में माँ बाप या बहन भाइयों जैसे खूनी रिश्तेदार होने चाहिए। सर्विस की कुल लागत 1,770 दिरहम थी। डिपॉजिट 1,000 दिरहम था। टाइपिंग चार्जेस और सर्विस फीस के साथ वीजा की कीमत 770 दिरहम थी। मुल्क की ट्रैवल एजेंसियों के नुमाइंदे कहते हैं कि वो अपने सिस्टम्स में इन वीजों के लिए दरख्वास्त देने से कासिर हैं। स्मार्ट ट्रैवल्स के अफी अहमद ने कहा कि अभी तक सिर्फ सिस्टम पर दरख्वास्त देने वाले अफराद ही ये वीजा हासिल कर सकते हैं। अफराद को इसके लिए GDRFA की वेबसाइट, ऐप पर या आमिर टाइपिंग सेंटर के जरिए ऑनलाइन दरख्वास्त देनी चाहिए। GDRFA की वेबसाइट पर सार्फीन कारोबार या मुलाजमत के मौके के लिए दाखिले के इजाजत नामे, अपने ग्रीन वीजों के मुंतजर अफराद के लिए दाखिले के इजाजत नामे के साथ एक मरीज के परमिट के लिए भी दरख्वास्त दे सकते हैं। दुबई के रिहायशी मोहम्मद ने बताया कि इसने अपनी वालदा के लिए वीजा की दरख्वास्त दी थी। इब्तदाई तौर पर मैंने एक ट्रैवल एजेंसी के जरिए 60 दिन के विजिट वीजा के लिए दरख्वास्त देने का मंसूबा बनाया, लेकिन जब मैंने 90 दिन के वीजे के बारे में सुना तो मैंने इसके लिए एक आमिर सेंटर के जरिए दरख्वास्त दी। ये बहुत आसान अमल था। अब तक के लिए इतना ही। अगले बुलेटिन तक के लिए खुदा हाफिज़।